हाँ ठीक है निकाल। तो गाइस फाइनली मैं प्रवीण जी को पिक कर लिया हूँ। ये हैं प्रवीण जी जो मेरे ब्लॉग में ऑल टाइम होते हैं, आप लोग देखते भी रहोगे इनको। और ये हमारी भाभी जी हैं प्रवीण जी की, श्रीमती जी, और उनकी बड़ी बेटी है। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, अप्रॉक्स 6:15 बज गए होंगे, और डायरेक्ट अब हम जो हॉल्ट लेंगे वहाँ पर मिलेंगे, और बाकी जो चीज़ें होंगी रास्ते में मैं कंटिन्यू एक्सप्लोर करता रहूँगा। तो चलिए बाय बेटा, बाय भाभी। तो मैं अभी लगभग कसारा घाट पर स्टार्टिंग कर चुका हूँ। आप लोग कसारा घाट देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है, बट यहाँ पे गाड़ी बहुत ही संभाल के चलाना होता है, बिकॉज रास्ते ऐसे हैं, उतरना चढ़ना काफ़ी टफ है, टर्निंग बहुत सारे हैं, बहुत खूबसूरत है। आइए हम आपको दिखाते हैं कसारा घाट की टफ वाली चढ़ाई। क्या ही नज़ारा है यहाँ का यार, राइट साइड में धूप निकली हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मेरे लेफ़्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो पूरा पहाड़ों को बादलों ने घेर रखा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कुछ यहाँ पे गांव भी हैं, आप लोग देख सकते हो, नीचे एक नदी या नाला जो भी है, नदी है, बहुत अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं, उसमें से भी पानी जो निकल रहा है। क्या खूबसूरत व्यू है यार,
आप सामने से देख सकते हो बादलों ने पहाड़ों को कैसे घेर रखा है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, एकदम से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ बादल है यहाँ पर। और बहुत मज़ा आ रहा है इसको देखकर। हमें गाड़ी की लाइट ऑन करनी पड़ी है, इंडिकेटर जलाना पड़ा है कि ताकि हमारे पीछे वाले को कोई तकलीफ़ ना हो। पूरा का पूरा अंधेरा, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था यार कि इतना अच्छा खासा जो है हमें जो है अपने ही मुंबई के बाहर आने के बाद चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी तो फ़िलहाल बरसात नहीं स्टार्ट हुई है, बट कुछ बोल नहीं सकते, शायद बारिश स्टार्ट हो गई है तो मुझे अपने गोप्रो को सेफ करना होगा। यार क्या मस्त मौसम है ना प्रवीण, यार मैं रेनकोट अपना पैंट पहन लूं हाँ कि चलूं, पहन लूं ना, साइड में लगाओ और इंडिकेटर जला के रखना लेफ्ट वाला। अरे साइड में हो जाओ ना, साइड में आ जाओ, बारिश तेज आ गई। लो भाई अब नासिक आ गए हम, और नासिक शहर को ये जो हाईवे है ये आउटसाइड से है, उसको हम वाया करके निकल रहे हैं। दिख रहा होगा क्या इसमें? क्या लेना है? चाय पी दे। तो फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ चाय पीने के लिए, एक छोटा सा ब्रेक लिया है। ये प्रवीण जी की गाड़ी है और ये मेरी गाड़ी है सुंदरी, आप लोग पहचान ही रहे होंगे। और ये नीम का झाड़ है, इसमें काफ़ी फल लगे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी नीम के झाड़ हैं। और ये माउली रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम लोगों ने चाय पिया, नाश्ता किया, अभी बस थोड़ी देर में निकलेंगे। काफ़ी अच्छा है और ये भाई साहब काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही कूल हैं, बात करने का तरीका और बाकी चीज़ें, एक व्यवहार होता है ना जैसे कि अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो लोग यहाँ पर आएँगे, ऐसे टाइप के हैं। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आइए, रुकिए, चाय नाश्ते कीजिए, उसके बाद में जाइए। यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही है, काफ़ी एकदम कूल वाला मौसम है। और ये हमारे बाबू साहब, चलो इनसे हम कुछ बात करते हैं। क्या कहना है बाबू साहब? हाँ भाई बैठ जाओ। अरे बैठ मत जाओ, लेटे ही रहो यार। भाई अभी हम लोग आके खाने पर रुके। अच्छा, हम लोग मालेगाँव में है ना? हम लोग मालेगाँव में हैं। तुम दिख रहे हो, डोंट वरी, मालेगांव में है, ढाबे पुर के हैं, अभी यहीं पे चाय नाश्ता किए।
बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा गाँव जैसा भी दिखा रहा है, फास्ट फूड पे आलस से इंसान रिलैक्स कर रहे हैं। चलो उठो, चलो निकलते हैं। ओके बाबू प्रवीण सिंह पीछे आ रहे हैं, इनको मैंने कई बार बोला कि आप आगे चलो, लेकिन वो आगे चल ही नहीं रहे, वो पीछे ही चल रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम चलो। अब इन्हें कौन समझाया भैया, जैसे तुम अनजान हो वैसे हम भी अनजान हैं इस रास्ते के लिए, हम भी एक ही बार आए हैं, बस एक कॉन्फिडेंस लेवल पॉजिटिव में है कि भैया हम जानते हैं रास्ता, बस जहाँ नहीं समझेगा हम पूछ लेंगे और क्या। अभी ऑन है, करो जो करना है, ठीक है। चलो थैंक यू। केदारनाथ जा रहा हूँ। उज्जैन नहीं, उत्तराखंड। फिर उज्जैन वही बोलते ना। नहीं, उज्जैन तो महाकाल है। हाँ, केदारनाथ, जहाँ पे 2013 में ये आपदा आई थी ना, पहाड़ी से बहुत सारे लोग बह गए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो साला, हमारा चाय क्या पीने का मन कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हम पियेंगे चाय, उसके बाद में अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और 174 शिवपुरी 570 आगरा 810 किलोमीटर, मतलब कि हम लोग अब एंट्री ले रहे हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ से ये बहुत टफ चढ़ाई है और बहुत सतर्क होकर चढ़ना पड़ता है इसमें, क्योंकि मैंने आते हुए देखा था इसको, काफ़ी टफ है। बट उतरने वाले के लिए तकलीफ़ है आई थिंक, से चढ़ने वाले के लिए तो लोड होता है, वो चढ़ेगा ही आराम से। भगवान का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, इस मंदिर पर एक दिन मैं ज़रूर रुकूंगा और दर्शन करूंगा। आई थिंक अगर मैं रिटर्न होने के टाइम पे आऊंगा ये साइड से, तो मैं दर्शन करके जाऊंगा। भाई एमपी में सब जायज है, यमपी में सब जायज है, आप लोग देख सकते हो। अप्रॉक्स इंदौर से मैं 130 किलोमीटर पहले हूँ और ट्रक वाला टोइंग करके बस को लेकर जा रहा है। आई थिंक ये प्राइवेट बस है या फिर लग्जरियस है, क्या है पता नहीं मुझे, बट आप लोग देख सकते हो इसको बहुत अच्छी तरीके से। बस को ट्रक के ऊपर सारी लोड करके लेके जा रहा है, ये ट्रक को लोड करके लेके जा रहा है, एसी बस है। गवर्नमेंट की लग रही है मुझे, स्मार्ट सिटी बस करके बोर्ड लगा हुआ है। रोड बहुत अच्छी है एमपी की, और हमें करीब करीब 70-80 किलोमीटर चलना है, उसके बाद हम रुक जाएंगे कहीं, फिर कल मॉर्निंग में जर्नी स्टार्ट करेंगे। मैं अभी हूँ इंदौर से अप्रॉक्स 20 से 25 किलोमीटर पहले, जो घाट है वहाँ पर अपनी गाड़ी चला रहा हूँ रात को, और अप्रॉक्स इस समय टाइम हुए होंगे 8:30 या 8:15। और रात को एक्चुअली पहाड़ों में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन मुझे बताया गया कि आप आगे जाके वहाँ पे हॉल्ट करें, इधर रुकने का कोई मतलब नहीं है, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसकी वजह से मैंने भी डिसाइड किया कि चलो ठीक है। तो थोड़ा सा बारिश भी हुआ है, रास्ता स्लिपरी हो गया है, और ट्रैफिक भी है क्योंकि रात को ट्रक्स वालों का जाना आना ज़्यादा रहता है,
और आप देख ही सकते हो यहाँ पे ट्रक कैसे चल रहे हैं एकदम स्लो स्लो, क्योंकि हम फुल एकदम 100% घाट पर हैं गाड़ी लेकर अपना रात को। और मैं फ़िलहाल किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि रात को कोई घाट में गाड़ी चलाए, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है। मेरी मजबूरी है कि मैं रात को गाड़ी चला रहा हूँ घाट पे, अदरवाइज़ मैं भी नहीं चलाता गाड़ी। और ये तो अच्छा है मेरा नसीब कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश होके बंद हो गई है। अगर प्रेजेंट टाइम में बारिश भी हो रही होती तो फिर शायद मुझे बहुत तकलीफ़ होती हो, मैं गाड़ी नहीं चला पाता घाट पे, क्योंकि हेलमेट का जो मिरर है उसको ओपन करके देखना पड़ रहा है। और घाट पे लाइट भी नहीं है हर जगह। मध्य प्रदेश की सरकार को हमने सुना था कि बहुत अच्छा काम की, लेकिन अभी जब प्रेजेंट टाइम में आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं भी किसी भी एक्सप्रेसवे पर मुझे कहीं भी लाइट नहीं देखने को मिला है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों को गाड़ी चलाने में, और ख़ास करके बाइकर्स को। एक्चुअली बाइक को तो रात को अलाउ भी नहीं है, लेकिन मैं चला रहा हूँ, तो अगर लाइट रहती तो शायद गली मत रहता, इतनी तकलीफ़ नहीं होती, आराम से हम निकल जाते। तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो एमपी के गवर्नमेंट माननीय श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं मेरे वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा कि हर जगह कोशिश करें कि वो नहीं पूरा का पूरा हाईवे पे लाइट लगवा सकते हैं तो कम से कम 50-50 मीटर पे या 30-30 मीटर के डिस्टेंस पे तो लाइट लगा सकते हैं, जिससे कि कभी अगर कोई फंसता है रात को बाइकर्स, या फिर अगर सपोज दैट कि बड़ी गाड़ी भी है और उसका लाइट ख़राब हो गया रात को, तो फिर वो क्या करेगा, उसको तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली हाईवेज पर रात को कोई हेल्प नहीं करना चाहता किसी की, और ना ही कोई किसी से हेल्प लेना चाहता है। तो अगर लाइट लग जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू।